एक राजा था, बड़ा दयालु, बहुत दयालु। उसने सोचा कि सुबह 9 बजे मेरे खजाने खोल दिए जाएं और जो भी व्यक्ति उस समय मेरे सामने आएगा उसको कुछ ना कुछ मैं सोना चांदी दे दूंगा। लेकिन शर्त यही है कि शाम को 5 बजे खजाने बंद हो जाएंगे। 9 बजे वहां पर खजाने खुल गए, लाइन लगनी शुरू हो गई और एक बंदा जो लाइन से लास्ट में था, जैसे उसकी बारी आई शाम को 5 बज गए, खजाने का वो बंद कर दिया। उसने सोचा कि यार पूरा दिन मैंने यहां पर समय लगाया, मैं कुछ कैसे ले पाऊं। तो अगले दिन सुबह 9 बजे की जगह वो 5 बजे पहुंच गया। अभी अंधेरा था, वह लाइन में लग गया। सबसे पहले उसी को जगह मिली, जब उसको जगह मिली पीछे लाइन लगनी शुरू हो गई। जब 9 बजे दरवाजे खुले उसके पीछे देखा लाइन बहुत लंबी है। तो पिछले वाले को पूछा कि यार तू क्यों आया है, कहता है बहुत गरीब हूं कुछ लेने आया हूं। कहता है यार तू मिला क्या था, उसको आगे करके आप पीछे चला गया। हर बंदे को आगे करता गया, शाम को 5 बजे उसकी बारी खिलाने बंद हो गए। कहता है सुबह 3 बजे जाऊंगा यार। अगले 3 बजे पहुंच गया, वहां पर लाइन में लग गया। जब पीछे देखा ज्यादा जरूरत बंदा है, उसको फिर आगे कर दिया, आप पीछे चला गया, शाम को 5 बजे खिलाने बंद हो गए। राजा को उसके ऊपर शक हुआ, यार एक बंदा रोज लाइन में लगता है, लेके कुछ नहीं जाता, लेने क्या आता है, कुछ लेता नहीं है। तो उसको बुला लिया गया, उससे पूछा गया आप ये बताइए कि आप रोज सुबह लाइन में लग जाते हैं, सुबह इतनी जल्दी आते हैं, शाम को 5 बजे वापस चले जाते हैं, अब करने क्या आते हैं। कहते महाराज जो आप कर रहे हो ना वही मैं कर रहा हूँ। कहते मैं तो लोगों को सोना चांदी अशक्तियां कुछ दे रहा हूँ। कहते सर जो आपके पास है आप दे रहे हो, जो मेरे पास है मैं दे रहा हूँ। आपके पास सोना था आपने सोना दे दिया, मेरे पास अपनी बारी थी मैंने अपनी बारी दे दी। तो अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारी जेब में पैसे होंगे तभी हम दे पाएंगे, जो है दे दीजिए ना। और कुछ नहीं कर सकते, किसी को मोटिवेट कर दीजिए, किसी को एक आशा दे दीजिए, किसी को होप दे दीजिए, किसी को मुस्कान दे दीजिए, किसी के पीठ पे हाथ रख दीजिए। ये भी चीजें किसी करोड़ से कम नहीं होती। जो भी दे सकते हो देखो, आपको कहां से मिलेगा उसका आप फिक्र नहीं करो यार, आप फिक्र कर भी नहीं पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। उसके लिए बैठा है वो जिसके वो सब बच्चे थे, उसके बच्चों को दिया है ना आपने, उसको फिक्र है, उसके बच्चों का आप फिक्र कर रहे हो, वो आपका फिक्र करेगा। हम लोगों की गाड़ी चलाओ, आपकी गाड़ी ऊपर चला देगा यार।